ये देश इतना बड़ा नहीं अंबानी है, अगर ये देश नहीं रहेगा ना तो ना रिलायंस बचेगी और ना अडानी अंबानी बचेगी। तो देश है क्या, अंबानी जाए तो देश है। भाजपा कितने पार्टियों को मिलाकर बनी है आप एक मिनट। जिसको सस्ता पड़ने सस्ता यूज करना, ब्रांड यूज करेगा तो पैसा लगेगा नहीं, हर एक चीज ब्रांड यूज करना। हमने तो माना भाई इतना मोटा मोटा हाथी का गोबर वाला कहाँ पे आता था, उसको ब्रांड। सबसे बड़ा ब्रांडेड तो मोदी जी है, सबसे बड़े ब्रांडेड तो मोदी जी है, जो 17-18 लाख का सूट पहन के कहते हैं कि हम फकीर है। सबसे बड़े तो मोदी जी है ना, जो 17 लाख के काजू की रोटी खा के बोलते कि हम फकीर है। यहाँ देश की लगभग कितने जनता जो होगी ना, जो भूखे प्यासे रोड पे बिना कपड़े के सोते होंगे, लेकिन उन सारे के बदले लगभग हम कहते हैं कि देश के कम से कम 30% जनता मोदी जी के एक कपड़े के बदले में उतना जनता हमारे देश के कपड़े पहन सकती है। लेकिन मोदी जी को अपने देह ढकने हैं, लेकिन इस देश के जनता को भूखे और नंगे रोड पे सुलाना है। कांग्रेस के टाइम में गरीबी नहीं थी क्या, कांग्रेस के टाइम में गरीबी नहीं थी? अभी अभी गूगल का मैं बता रही हूँ, ये प्रतिशत गरीबी का रेट जो है खुद भाजपा ने अपना पेश किया है भैया, उनके गृह मंत्रालय ने, कि सबसे ज्यादा गरीबी दर इधर बढ़ा है। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो खुद उनका ये बता रहे हैं ना। नहीं, नहीं, पॉपुलेशन में पूछिए। क्या बोला भैया? मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये इतनी गरीबी नहीं थी। ये कह रही है कि गरीबी दर पहले ज्यादा था या अब ज्यादा? आज मोदी एक मिनट मेरा भी तो बात सुनिए। आज बोलते हो कि मोदी जी इतने लाख रुपए की सूट पहनते हैं, ठीक है। आज मैं दिखा दूंगा कि मैं फटा हुआ पहना हुआ हूँ, ऐसे निकाल करके पॉकेट दिखा दिया। इटली में इतना प्रॉपर्टी रख करके, इटली में सब हाँ इतना है। और आज मतलब सिर्फ मोदी जी, यार मोदी जी क्या बोलूं, बोलिए कुछ बोलिए। अगर इतना खराब होते ना तो, अगर इतना खराब होते ना तो 36 पार्टियों के अकेले बैंड नहीं बजाते, 230 सीट, 240 सीट। इन्होंने बोला 36 पार्टियों की, लेकिन भाजपा कितने पार्टियों को मिलाकर बनी है आप एक मिनट। यहाँ बताइए, यहाँ पे दो प्रमुख पार्टियां थी, दो प्रमुख, एक अकेले पार्टियां, सब छोटी छोटी पार्टियां इसमें जाकर बनी भाजपा। आप अपने पापा से जाके पूछिएगा, पहले गरीबी थी कि नहीं, इतना मोटा मोटा चावल खाते थे, इतना मोटा मोटा चावल। हम अपना अनाज जो है ना हम उगाते हैं तो ये लोग खाते हैं, तो हमें सिखाया कि हम कौन सा चावल खाते हैं। ये लोग पूछे अपने मोदी के पापा जी से आखिर ये लोग कब पैदा हुए भैया, क्योंकि हम लोग 2014 के पहले पैदा हुए हैं। उसके बाद 2014 वाले बाद है जो कंगना रनावत बोलते हैं ना कि नशेड़ी गजेड़ी, जो खुद झूमती रहती है ड्रग्स खाकर पीकर। इस बात में तो कोई नहीं कह सकते कि नचनिया सबसे बेवकूफ है। सुनिए ना, सुनिए ना, कोई नहीं। आप अगर कह दिया तो हम बता दें। अच्छा, नचनिया में भी काबिला बेवकूफ होती है, बेवकूफ होती है, भी थी। आप जिसके आपकी मर्जी, लेकिन अगर कंगना रनावत दूसरों पे वार कर रही है कि आप नशा करते हैं, तो सबसे ज्यादा नशा बॉलीवुड में अगर कोई करता है तो कंगना रनावत है। अगर ये बात झूठी निकले तो आप बता दीजिए। नशेड़ीचंद है, एंटोनियो माइनोज है, सबसे बड़ा जो विदेशी नचने नाराज का है चमचा आज के डेट में, कि अंबानी जो का पूछवे नहीं किए, रेहाना को लाकर 84 करोड़ डाल दिए, रेहाना को 84 करोड़ दे दिया, जस्टिन बीबर को कहने कत में करोड़ दे दिए। असल जहाँ खुद से अपने दिन से पहले से नचनी हम लोग देश में, ओकरे 1 करोड़ ना दिए। अरे भाई दिक्कत बात दुखी से बात का है कि गरीब देश में रेहाना आके नाच रही है, नहीं नाचेगी। असल 60 साल पहले एक विदेशी खुशी है, बिल्कुल खुशी है जी, कहा नहीं ओकरा पैसा है, कहा नहीं खुशी लगा जी, वो कमा रहे। हम अपना देखे या दूसरा, आप चैनल कहा खोले, पैसा आप गरीब में डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं करता जी कोई, कहा अपना मेरे पापा कहा कमाते हैं, मेरे लिए की गाँव के लिए कमाते हैं। अजीब सा बात करते हैं, हम यूट्यूबर है, तुम आज देख आज तक को देख के खुश हो कि आज तक बहुत बड़ा चैनल, बिल्कुल हम आप खुद को भूल जाए, बिल्कुल खुद की औकात भूल जाए। काहे जी काहे नहीं को, हम भी बस सोचते हैं ऐसे बने, काहे नहीं बनेंगे, आप नहीं चाहते। यानी अंबानी अडानी को देख के हम अपनी औकात भूल जाए, मेरा देश का गौरव है, देश के मेरा आदमी इंसान है जी, आगे बढ़ेगा मैं खुशी होगा, काहे नहीं खुशी होगा हमारे देश के। अभी अभी नहीं है जी, तो अजीब कुफी वाला बात करते हैं जी, कहे को देश के वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है क्या भाई, स्वतंत्रता सेनानी पे देश में गर्व होना चाहिए। जितना कांग्रेस रोजगार नहीं दियोगा, हाँ बोला, जितना कांग्रेस रोजगार नहीं दियोगा वो अपना अकेले रोजगार देता, क्या बात करते हैं जी। वो आधा रोजगार चलता है लगभग बिहार का, रतन टाटा ये सब सर कैसी बजी बात करता है, रोजगार नहीं देता है अमानी, रोजगार नहीं रोजगार अजीब बातें करते, कोई कुछ देवे नहीं करता। आपको दिया का नहीं, अभी जो रिलायंस में काम करते रुदिया नहीं है आपको, हम उस सेक्टर से कैसे हमको मिलेगा, हम आनंद महिंद्रा सेक्टर से, हम महिंद्रा में काम करते हैं, महिंद्रा को रोजगार दिया है। अजीब सा बात, कई उद्योगपति का देश में कोई योगदान नहीं है हम अंबानी को देख करके अपनी औकात का को बोले। अरे वो रियन्ना को नचाया, हमने तोरी ना नचाया, हमारी तो औकात एक पेंट कर दी। कमा रहा है पैसा आपके लिए कमा के दे दे,
वही तो बोल रहा हूँ, क्यों हम उसको माने? पैसा खुद के लेके मान मानते है जी, देश को रोजगार देता है। आपको खड़ा किया है, आपको खड़ा किया जब वो कर रहे माइक पे ना, उसका देना है। अच्छा उसका डाटा क्या दिया? डाटा डाटा सर चाहिए जी। वो नहीं तो घर देता। कौन देता है? कौन देता है? तब छोड़ रहे हैं जी? जियो जी कौन देता है? जिस देश में रिलायंस नहीं है, बोल रहे हैं देश में इंटरनेट नहीं, बोल रहे ना कि रोजगार चलता है ना, जिस देश में रिलायंस नहीं है इंटरनेट नहीं चलता। कुछ पता नहीं बॉस, आपको कुछ पता नहीं बॉस, हम बताते हैं आपको। जान रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बंद हो जाए ना तो आदमी भूखे मर जाएगा। भूखे मर जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर के वाला 2% से रोजगार नहीं चलेगा। रिलायंस आ जाइए, अभी इतने दिन से लोग भूखे मर रहे थे, यानी रिलायंस नहीं थी तो आदमी नहीं, पहले पॉपुलेशन कितना, यानी रिलायंस नहीं तो देश नहीं, कंपनी नहीं तो जी। कैसी बाइक उठा चले परेड़े हैं? अरे भाई कहाँ से? तभी तो बहस कर रहा हूँ। तभी तो तभी कहाँ बहस कर रहे हैं जी? बहस कर रहे हैं कि सर अंबानी कुछ है। वही तो बोल रहा हूँ, अंबानी है तो देश है क्या? अंबानी है तो देश है क्या? अंबानी की रोजगार देता है आपके ऐसे नहीं कुछ, यानी अंबानी रोजगार नहीं देता था तो देश नहीं चलता। अरे बस हम बोल रहे टाटा रतन भी दिए हैं, पत्ता पहन के घूम रहे थे जंगली थे क्या? रिलायंस वाला लेके आया आपको पटना में? अरे बस हम जंगल में आपको लाया रिलायंस वाला। रिलायंस जबरदस्त, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रुके ना रिलायंस मॉल, ये रोजगार कई लोगों को दिया, इसलिए आप नहीं बोल सकते रोजगार नहीं दिया। यानी रिलायंस नहीं था तो देश में रोजगार नहीं, रिलायंस है तो देश है, रिलायंस है तो देश है, ये पर्दा जबरदस्त। वही तो बहस हो रही है, आप मानते नहीं, छोड़िए आप मानते हैं कि रिलायंस तब रिलायंस है, और ये देश तब अडानी अंबानी है। अगर ये देश नहीं रहेगा ना तो ना रिलायंस बचेगी और ना अडानी अंबानी बचेगी। कहाँ नहीं बोलते हैं यार? देश की जनता के वजह से अडानी अंबानी है और यह हमारे नरेंद्र मोदी ये मानते हैं। अगर जनता बचेगा इन लोग के पास, देश के लिए। रियन्ना नाची आपको खुशी है? क्या दिक्कत है? पैसा पैसा देने वाले को तकलीफ नहीं है, नाचने वाले को तकलीफ नहीं है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है भैया? रिलायंस का नचवा कहा था कि भारत एक गरीब मुल्क है, उसको 75 करोड़ में ला करके नचवा दिया, तो गर्व की बात है। 75 करोड़ में मैं तो कहता हूँ, अगर वो 75 करोड़ देश के गरीब जनता में लगा देता तो मैं उसके रियन्ना को नचा करके ये साबित, देश का 75 करोड़ अच्छा था। आपका बात बिल्कुल सही है कि 75 करोड़ गरीबों का बांट देता था अच्छा था, तो ये बताइए कि जिस पर चारा चोरी का आरोप लगा था वो 5वां गरीब का बांट देता तब क्या होता है? पहले उठा के अंदर, पहले रिहाना नाची का पहले चोरी हुआ बताइए, पहले चोरी हुआ, चोरी हुआ, चोरी हुआ, पहले वो बटवाइए। बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ है भाई। पहले पहले आप 900 करोड़ बटवाइए, हम 75 करोड़ बटवा देंगे। चलिए 900 करोड़ बटवा, हम बटवाए भाई, हम उसके खिलाफ है तो बटवाइए, खिलाफ है भाई, आवाज उठा सकते खिलाफ है।